आज से हम लोग अपना हिस्ट्री का सिलेबस चालू करेंगे। हमारे हिस्ट्री का पहला टॉपिक होगा हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन वेस्ट। ठीक है, इग्नोर दिस पार्ट, जो पार्ट टू लिखा हुआ है, प्लीज इग्नोर दिस पार्ट। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। वैसे आपने काफी सालों से हिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर बेसिकली जो इतने सालों से आपने पढ़ा है कि हिस्ट्री क्या हो, कैसे डेवलप हुई, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, मुगल्स के बारे में, साउथ में मैसूर किंगडम हुआ, फिर ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ते हैं। हमने बहुत लोगों के बारे में अब तक पढ़ लिया है, लेकिन ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि ये जो चीज़ें हमको पता चली कि हाँ भाई, मुगल जो था और वो बाबर पर्सन जो था वो पहले आया और फिर मुगल सल्तनत पूरी शुरू हुई। तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री बनी कैसे, हाउ एग्जैक्टली द हिस्ट्री वॉज फॉर्म। ठीक है, हिस्ट्री, हिस्टोग्राफी का मतलब यही होता है कि जो पुराने हिस्टोरियंस हैं जो लिख के गए हैं, और वो आज के हिस्टोरियंस को किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं। जब वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, मतलब हिस्टोरियंस उस चीज को क्लियर करके देते हैं, उसे एक बुक में कंपाइल किया जाता है और वही बुक तो हिस्ट्री बन जाती है। ठीक है, हिस्टोग्राफी इज नथिंग, हिस्टोग्राफी इज बेसिकली जो पुराने हिस्टोरियंस ने जो लिखे हैं, आज के हिस्टोरियन जब उसे पढ़ते हैं तो दैट्स हिस्टोग्राफी। सिंपली भाषा में अगर समझना जाए इन अ वेरी लेवन लैंग्वेज, तो दिस इज वॉज हिस्टोग्राफी। तो हमने अब तक जो पढ़ा है कि हिस्ट्री होती क्या है, कैसे फॉर्म, आज हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री फॉर्म कैसे होती है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या? तो हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री मतलब हमने वही जो भी अभी हमने उस चीज को फर्स्ट लाइन में जो डिस्कस किया, हिस्ट्री इज बेसिकली जो पुरानी रिसर्च है जो अब तक हमने की है, उसके बारे में जो लिखी रिसर्च के जो पर्सन है, इनिशियल हिस्टोरियन से 100 साल पहले लिखे गए उनकी राइटिंग, पुराने हिस्टोरियंस मतलब 2000 साल पहले जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने उस राजा के दौरान लिखा हुआ था, बेसिकली उनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव उसका अंडरस्टैंडिंग का है कि क्रोनोलॉजी कैसे है पास्ट इवेंट्स। क्रोनोलॉजी क्या होता है बेसिकली, क्रोनोलॉजी अगर बहुत इजीली अगर समझने जाए तो क्रोनोलॉजी होता है कि जैसे मान लीजिए जो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, मतलब एक सीक्वेंस फॉलो होता है, ऐसे करके एक सीक्वेंस बनता है। जैसे पहले ये बुक है, फिर ये बुक है, फिर ये बुक है, फिर ये बुक है, तो ये क्रोनोलॉजी है, नंबरिंग है, आप ऐसे कह सकते हो आप, तो क्रोनोलॉजी फॉर्म करने का काम करता है। साथ ही है हेल्प, और ये पॉसिबल नहीं है कि हम हिस्ट्री को एक लेबोरेटरी में चेक करें, हम लैब के अंदर नहीं चेक कर सकते हैं। ठीक है, लैब के अंदर चेक करना हिस्ट्री को नॉट पॉसिबल है। हम केमिस्ट्री थोड़ी नहीं कि दो केमिकल को मिलाया, एक नया केमिकल बन गया और हमने लाइव टेस्ट टेस्ट वाज इट टेस्ट कर लिया। हिस्ट्री तो हजारों साल से बनी हुई है ना, तो हम लोग सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और इंटरप्रिटेशन और थियोरी दे सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम लोग के पास ना टाइम मशीन है कि हम लोग उस समय के हिस्टोरिकल टाइम में जाए, स्पेस में जाए और हिस्टोरिकल इवेंट को देख ले, हम उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते ना, वी कैन नॉट रिक्रिएट दैट पार्ट। हम जब उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं तो उसका सिंपली मतलब क्या है कि हम लोग पुराने इवेंट, हम लोग से जो पुरानी रिसर्च हमको मिली है उस चीजों के हिसाब से धारणा बना सकते हैं, एक रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं, एक थियोरी बना सकते हैं कि ऐसा ऐसा स्पेसिफिकली हुआ होगा। और जब बहुत सारे मतलब देखो इसमें कैसा होता है, पीयर रिव्यू, पीयर का मतलब होता है, मतलब मान लीजिए मैं हिस्टोरियन हूँ, आप भी हिस्टोरियन हो, तो मेरी बात से अगर आप सहमत होते हो तो हम दोनों एक ही फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, तो पीयर का रिव्यू मतलब हम, आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। जैसे मैंने कोई थीसिस ले ली कि भाई हरप्पन सिविलाइजेशन ऐसी थी लेकिन आपके हिसाब से वैसी नहीं थी, तो मतलब पीयर रिव्यू मेरा बराबर नहीं है, मतलब आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हो, आपके हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो जब मेजोरिटी ऑफ द थिंग, जब बहुत सारे हिस्टोरियन एक ही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, तब जब मेजोरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्ट दैट थिंग, देन इट बिकम अ काइंड ऑफ अ थियरी कि हाँ आधे से ज्यादा जो उस फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग समझते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल आता है हाउ टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। हमने ये तो देख लिया हिस्ट्री होती क्या है, अब चेक करते हैं हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाए। ठीक है, तो हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है कि हमको एक एक्सपर्ट चाहिए। पहले तो हमको एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा जिसको उस भाषा का ज्ञान हो। मान लीजिए देखिए, जैसे मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ या फिर इंग्लिश में बात करता हूँ, तो ये तो अभी की लैंग्वेज है ना, मतलब इसको इवॉल्व होके ही मान लीजिए 1000 साल हुए होंगे, मैक्सिमम उतने नहीं हुए, फिर भी मैं चलो मैक्सिमम केस में 1000 ईयर्स पकड़ लेता हूँ।
लेकिन मान लीजिए 2000 साल पहले की कोई हिस्ट्री की चीज मुझे मिली है, तो उस चीज को थोड़ी ना मैं हिंदी की भाषा पढ़ूंगा, मुझे एक पर्सन चाहिए जिसको उसके बारे में नॉलेज हो। ठीक है, अगर आपको पता होगा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट मिली है, स्क्रिप्ट मतलब आप कह सकते हो लिखावट मिली है, स्लेट मिला है, उसका एक टैबलेट जिसे कहते हैं वो मिला है, लेकिन उसको डिसाइफर नहीं किया गया। डिसाइफर का मतलब समझा नहीं गया कि किस भाषा में लिखी, कैसे लिखी, क्यों, कोई हमारे पास एक्सपर्ट ही नहीं उस फील्ड में, किसी को उसके बारे में पता ही नहीं कि किस तरह की प्राचीन भाषा है। ठीक है, तो ये भाषा के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होगा उसके बारे में, तो कैसे बताएगा। जैसे आप और मैं हैं, कोई पुराना किला है, किलों की दीवारों पे कुछ ना कुछ अंकित होगा किसी न किसी भाषा में, हम जाएंगे हमको लगेगा डिजाइन बना हुआ, लेकिन जब कोई हिस्टोरियन जाएगा या जो पर्सन जिसको उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, जब वो पर्सन उस जगह विजिट करता है, तब वो बोलता है कि नहीं भाई ये डिजाइन नहीं है, ये तो पुराने जमाने के लोगों ने अपनी भाषा में अपनी एक हिस्ट्री छोड़ के गए हैं, लिख के गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको उस पहली बात तो हिस्ट्री के बारे में एक एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, उसके लैंग्वेज की ज्ञान होनी चाहिए, उसके स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट जैसे मैंने बताया लिखावट। ठीक है, अब स्क्रिप्ट शब्द से आप ऐसे समझिए कि जैसे मेजॉरिटी ऑफ आप लोग मराठी पढ़े होंगे, ठीक है, मराठी आप पढ़ते हैं, तो मराठी जो भाषा है वो लिखी तो जाती है एक देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, लेकिन उसकी जो स्क्रिप्ट होती है वो मोदी भाषा है। ठीक है, नॉट हमारे प्राइम मिनिस्टर बट एक मोदी करके स्क्रिप्ट है, ठीक है, उस भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब वो स्क्रिप्ट है लिखने का, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, ये लिखा हुआ है आपके इस पे, ये लैंग्वेज इज इंग्लिश, दिस लैंग्वेज इज इंग्लिश, पर जो लिखने का तरीका है दिस स्क्रिप्ट इज ग्रीक। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको एक एक्सपर्ट चाहिए होता है, उसके साथ में एक्सपर्ट उसको एग्जामिन करता है, हाँ बोलता है हाँ भाई, ऑथेंटिकेट करता है, ऑथेंटिक चेक करता है कि भाई जो ये लिखा हुआ है ना ये सही है, ये गलत नहीं लिखा हुआ है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट की क्राइटेरिया जो भी लिखे हुए, लेटरिंग स्टाइल कैसा है, किस आथर ने लिखा है, आथर मतलब कौन सा पर्सन, जैसे एक बहुत ही पुरानी बुक थी चाणक्य, चाणक्य आपने इन सभी के बारे में, चाणक्य के बारे में तो आपने ऑफ कोर्स सुना होगा, उनकी बुक है अर्थशास्त्र, तो आप या फिर आप खुद भी बुक पढ़ते हो, तो बुक पढ़ने के टाइम पे आपको पता होता है कि जब आप रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ोगे, रॉबिन शर्मा एक बहुत ही अच्छे ऑथर है, इनकी बुक अगर आप पढ़ना चाहो तो बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, दो अच्छी बुकें हैं इनकी, एक The Monk Who Sold His Ferrari and second one is 5 AM Club. मैंने दो ही बुक पढ़ी है। ठीक है, सो ये दो मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है, सो ऐसे मतलब वो ऑथर है, तो उनका तरीका है कि मोटिवेशन उनकी बुक्स में हमको मिलता है। ठीक है, वैसे ही ऑथर्स जो होते हैं चाणक्य हैं, तो चाणक्य काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी, तो उनकी बुक्स अर्थशास्त्र में हमको उसमें इंटेंस नॉलेज मिलता है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में जोक लिखा हुआ है। ठीक है, उनकी पर्सनालिटी अलग थी, तो हमको ये पता चलता है कि राइटिंग तरीका जो लिखा हुआ है इसमें किस तरह से बताया गया है। ठीक है, वो राइटिंग स्टाइल जो होता है उसे आप कह सकते हो कि आथर का राइटिंग स्टाइल है। मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब आज के ज़माने में तो हमारे पास बहुत सी टेक्नोलॉजी हो गई है जिसको कहा जाता है कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, और भी तरह की टेक्नोलॉजी जिसको हम चेक करके बता सकते हैं कि जो ये स्पेसिफिक चीज़ है वो कितने हज़ार साल पुरानी है, फिर किस तरह का पेपर यूज़ किया गया है, स्टैम्प कैसा है। ठीक है, स्टैम्प के ऊपर किसकी अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब देखो स्टैम्प का मतलब जो सील होता है, वो सील के ऊपर कौन से राजा जो पुराने जमाने के होते थे, तो अपना नाम और अपनी जो चेहरा है या फिर उसका जो लोगो होता था, एम्बलम होता था उस स्पेसिफिकली उस किंगडम का, वो उस पर बना के रखते थे, और वो जनरली यूज किया जाता था हर एक जगह जहाँ पे भी उनको अपनी पहचान छोड़नी होती थी, एक इम्पैक्ट छोड़ना पड़ता था, तो वहाँ पे वो स्टैम्प और इसका यूज करते, तो उसको देख के भी पता पहचाना जा सकता है कि हाँ भाई राजा ने यूज किया होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट तरीका है मेथड जो हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आप उनमें देख सकते हो आर्कियोलॉजी है, आर्कियल साइंस है, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी है, एपिग्राफी है, फिर उसके बाद में लेटर को एनालाइज करने का स्किल होता है। ठीक है, उसके साथ में जीनियोलॉजी है और उसके साथ में न्यूमिस्मैटिक है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे, हमारे आगे स्लाइड्स जो भी आएंगी उसमें आप इन सब के बारे में डिटेल में एनालाइज कर सकते हो, समझ सकते हो। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग, बिकॉज ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, मैथ्स कॉलम में पूछी जाती हैं, सो अगर आप इसे डिटेल में पढ़ लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे एंड डेफिनेटली आई बेट कि आप इसे नहीं भूलोगे वापस। ठीक है, ओके, सो हमारा नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हिस्टोरिकल रिसर्च एंड मेथड। ठीक है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब देखो कैसे हम किस चीज़ को समझते हैं, तरीका आप कह सकते हो, जैसे मुझे अगर मैथ्स पढ़ना है, सो व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया कि कैसे मैं पता करूँ कि मैथ्स ही पढ़ रहा हूँ मैं,
ABCD या ग्रामर नहीं पढ़ रहा हूँ, उसका सीधी सी बात है, देयर विल बी यूज ऑफ नंबर्स, और जो दूसरे सिंबल्स यूज होते हैं उसमें अंदर, जैसे प्लस माइनस डिवाइड के लिए अलग सिंबल यूज होता है, तो सिंबल्स होते हैं, तो मुझे पता है कि हाँ भाई ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो ये मैथ्स में यूज की जाती है। अगर मैं उसमें पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस पढ़ाने लग गया और बोलूँ कि ये मैथ्स है, तो दैट्स नॉट राइट ना। तो ये रिसर्च मेथड में बिल्कुल इसी तरह का प्रैक्टिकल अप्रोच लिया जाता है कि पहले समझा जाता है, तो वहाँ जो रिसर्च करते हैं पहली बात, तो दे आर हिस्टोरियंस, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है उस स्पेसिफिक फील्ड में, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी उस चीज़ को दी होती है। तो रिसर्च करते हैं पहले, एनालाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्टेप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं। पहले कोई भी चीज़ उनको मिलती है तो उसको क्रिटिकली, क्रिटिकली का मतलब होता है बहुत बाल की खाल निकालने काइंड ऑफ, एकदम डिटेल में एनालाइज करते हैं, हर एक तरीके के सोर्स को एनालाइज करते हैं कि हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा, उसके साथ में रेलिवेंट रेफरेंस देखा जाता है कि भाई हाँ ये रेफरेंस सही है इसका मतलब। अगर मैं मान लो, रेफरेंस का मतलब होता है कि एक साक्षात्कार, आप कह सकते हो रेफरेंस का मतलब है कि हाँ एक सोर्स ऑफ एविडेंस आप कह सकते हो कि हाँ भाई ऐसा एक रेफर करने के लिए काम आता है, ठीक है। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे रेफरेंस के तौर पे करना है, अगर मुझे पता है कि अकबर जब रूल करता था उस समय एक बहुत ही फेमस पर्सन था जिसका नाम था महेशदास, आप सब इनको बिरबल के नाम से जानते हो, तो महेशदास उनके ज़माने में थे। लेकिन अगर मैं औरंगजेब के ज़माने का पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे महेशदास यानी बिरबल के कोई लिखावट मिलती है, कोई बुक मिलती है, तो मुझे पता है ना, अगर कोई हिस्टोरियन है वो कह रहा है कि नहीं ये तो औरंगजेब के ज़माने का, तो उस समय तो बिरबल मर चुके होते हैं, ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसी तरीके रेफरेंस यूज किया जाता है कि हाँ भाई इधर पे भी ये चीज़ का मेंशन है, बिरबल की बुक में भी यही टाइम पे मेंशन है, तो हम कह सकते हैं कि भाई सही, ये सही होगा अगर अकबर के टाइम पे। लेकिन अगर अकबर के टाइम बिरबल की बुक में कहीं कोई मेंशन है और औरंगजेब की बुक में भी वही सेम चीज़ मेंशन है और कहा गया कि औरंगजेब ने बनाया, तो गलत होगा ना, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेडिकल का नॉलेज होना चाहिए, अकबर के टाइम पे कौन था, उसके अकबर कौन थे, उसके बाद में औरंगजेब कौन थे, उनके बीच में और कितने रूलर्स आए थे, ये थोड़ा पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ऑनलाइन थोड़ा सर्च कर लो, सिर्फ लाइनेज पता कर लो, नहीं है तो मैं बता देता हूँ, बाबर आए थे, फिर हुमायूं आए थे, फिर अकबर आए थे, उसके बाद में उनका बेटा जहांगीर जिसको आप सलीम के नाम से जानते हो, फिर उसका बेटा था औरंगजेब, ठीक है। क्रोनोलॉजी जाती है, ठीक है, लाइनेज आप कह सकते हो नंबरिंग वाला कि कितने मुगल्स रूल किए थे कैसे, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, ठीक है, इनके रेलेवेंस हिस्टोरिकल इवेंट्स को हमने समझा। उसके बाद में हम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं और हाईलाइट करते हैं प्रोसेस को कि जो हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, मतलब जो अभी मैंने बताया कि लाइन से बाबर आए, फिर हुमायूं आए, फिर उसके बाद में उनका बेटा अकबर आया, फिर उनका बेटा जहांगीर आया, फिर उनका बेटा औरंगजेब आया, फिर ठीक ऐसे करके हिस्टोरिकल ट्रांजिशन गया है, लाइन बाय लाइन गया है कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, ठीक है, कि कंपेरेटिवली एनालाइज करने के लिए जाता है, ठीक है, कंपेरेटिवली एनालिसिस होता है, कंपेयर किया जाता है, उसमें अंडरस्टैंड किया जाता है टाइम एंड स्पेस को। जैसे मैंने अभी वो एग्जांपल दिया था आपको औरंगजेब और बिरबल वाला, ठीक है, अगर आपने औरंगजेब बिरबल से रेफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने शिवाजी की हिस्ट्री तो ऑफकोर्स पढ़ी होगी, शिवाजी जो थे उनके बेटे थे सांभाजी और उनके बेटे थे शाहू महाराज, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि शाहू महाराज के टाइम स्पेस में कोई ऐसी पीरियड में कोई इवेंट हुआ है और मैं लिख दूँ कि शिवाजी के दौरान हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है ना। तो मैं चेक करता हूँ कि मैं इस टाइम पीरियड पे भी ये चीज़ हुआ था, शाहू महाराज के टाइम पे भी था, मतलब ये इवेंट शाहू महाराज के टाइम पे हुआ है और शाहू महाराज की बुक में भी मुझे कहीं मेंशन मिल जाएगा इस चीज़ का, तो मैं मानूंगा कि हाँ भाई ये जो स्पेसिफिक थिंग हुई है ये बहुत बड़ी थी और उन्होंने दो तीन बुकों में मुझे इसका सोर्स मिल गया है। तो आप इसे कह सकते हो सेम टाइम मतलब जो उस समय काल था और स्पेस मतलब वही जो जगह, टाइम एंड स्पेस हम यूज करते हैं जस्ट टू रेफर फॉर अ एग्जैक्ट प्लेस और लोकेशन के बारे में, ठीक है। उसके साथ में हम उस, फिर जब सारी चीज़ें हमको मिल जाती हैं तो हम उसी को यूज़ करके एक सही तरीके का क्वेश्चनियर बनाते हैं। ये जो क्वेश्चन सेट है उसको बनाया जाता है इसी के दौरान कि किस तरह के क्वेश्चन बनाया जाए, हिस्टोरिकल रेफरेंस को यूज़ किया जाता है और फिर हमको हमारी पूरी हाइपोथेसिस बनती है। जो भी हमारी हाइपोथेसिस बनानी है हमको, हम उस हाइपोथेसिस को उस हिसाब से फॉर्मुलेट करते हैं। हाइपोथेसिस से आप कन्फ्यूज ना होना, इसका सिंपल सा मतलब होता है थियोरी बनाना। हम कोई भी थियोरी अगर बना रहे हैं तो फिर उसके एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं कि दिस इज द थियोरी, ठीक है। तो जब ये सारी चीज़ें हम यूज कर लेते हैं तब उससे हमारा हिस्टोरिकल नैरेटिव बन जाता है। कि नैरेटिव मतलब कि मेरी एक थियोरी बन गई है, मेरी ये सोच बन गई है, ठीक है। अब फिर हम लोगों को बताते, देखो ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने ये एविडेंस यूज किया है और इस तरह से मेरी हिस्टोरिकल स्टोरी जो है बनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो हमारा टॉपिक है आर्कियोलॉजी। मैंने जैसे बताया था कि बहुत सारे मेथड यूज होते हैं हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए,
तो उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट मैटर में जो कहता हूँ या फिर जो पिक्चर वही से लाइमलाइट में रहता है, न्यूज में रहता है, ठीक है, वो होता है आर्कियोलॉजी। इनके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी बनी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। आई गेस आप सभी ने इनके बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज हार्डली देर इज एनी गवर्नमेंट बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए इतना ज्यादा हाई अमाउंट में इफेक्टिवली वर्क करता है। और दूसरी बात, देखो काम करना और इफेक्टिवली काम करने में अंतर है ना, तो ये जो बॉडी है इसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, ASI के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। आर्कियोलॉजी आपने देखा होगा, देखिए जिस तरह से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके हाथ में बहुत सारी चीजें, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे पॉट्स रखे हुए हैं, तो ये पॉट्स इन्होंने ये लेके नहीं आए, ये पॉट्स के ऊपर आप देखिए लेबलिंग किया है व्हाइट कलर का, ठीक है, दिस इज लेबलिंग डन बाय देम। ये लेबलिंग क्यों की गई है, ये बताने के लिए कि ये सर्टन लोकेशन से इस दिन को मिली है। अब ये जो पॉट्स है ना, ये हजारों साल पुराने हैं, और ये जो जमीन है, मतलब आपको पता होगा एक प्रोसेस है, लैंड धीरे धीरे मिट्टी में दबने लगती है, कोई भी चीज अगर बहुत टाइम तक पड़ी रहे तो कहीं हजारों साल तो ये ऐसे ही पड़े रहे, फिर ये जमीन के अंदर दब गए, और अब धीरे धीरे इनको जो है जमीन से एक्सकैवेट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है और इनको बचाया जाता है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो फिर म्यूजियम में रख दिया जाता है, फिर लोगों को बताया जाता है देखो हजारों साल पहले लोग भी ऐसे थे जो इस तरह से रहते थे। ये सोर्स ऑफ एविडेंस, मतलब अगर मुझे बताना है कि यहाँ के लोगों को पॉट्स बनाने आता था तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पॉट्स रखा हुआ है, उनको आता था बनाना, इसलिए तो बनाया, नहीं तो हमने तो नहीं बना के डाला है वहाँ पे, ठीक है। हमको ये भी इससे भी पता चल गया कि हाँ भाई उनके पास पॉटरी की बड़ी अच्छी स्किल थी, ठीक है। और भी जो भी चीजें हमको मिलेंगी, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई स्वॉर्ड मिल जाती है, तलवार जिसे कहते हैं, स्वॉर्ड मिल जाती है, तो हमको ये पता चल जाएगा हाँ भाई उन्हें तलवार बनाना गया, इन्हें लोहे को शेप करना आता था, इन द सेंस मेटलर्जिकल, यानी लोहे जो मेटल्स है उसको सही आकार देने की स्किल भी आती थी, ठीक है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं, यही सोर्स होता है, इसी को यूज करके हिस्टोरियंस अपने नैरेटिव को तैयार करते हैं। तो आर्कियोलॉजी क्या होता है, आर्कियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री और द प्रोसेस ऑफ एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन का मतलब यही देख लीजिए, जमीन के अंदर खोदे हो और उसके बाद से सारी चीजों को निकाल लिया, आर्टिफैक्ट्स। जो अब ये जो चीजें निकलेंगी ना, अभी ऐसे नहीं होंगी, इनको हम बोलेंगे देखो ये पॉट निकला, ये आर्टिफैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हजारों सालों से दफन है और जमीन के अंदर है, जमीन के अंदर हो सकते हैं, पानी के अंदर हो सकते हैं। तो मैं बार बार जमीन के अंदर, उसका मतलब अगर कभी पानी के अंदर मिले तो नहीं भैया आर्टिफैक्ट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। एनीथिंग दैट इज हिस्ट्री के प्री हिस्टोरिक हो या फिर एंशियंट हो, ठीक है, क्वाइट ओल्ड हो, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड हो, तो ऑटोमेटिकली ये आर्टिफैक्ट बन जाता है। जैसे टीपू सुल्तान की तलवार है, वो भी एक आर्टिफैक्ट है अपने आप में, ठीक है, दैट्स अनदर स्टोरी। आजकल वो इंडिया में नहीं है, आप पता कर लीजिए कि कहाँ है वो, ठीक है, यूज गूगल। चलो फिर आगे चलते हैं, आर्कियल साइंस इज वेरी सिंपल, ठीक है, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि आप एक लाइब्रेरी के अंदर बैठे हो एंड वहां बुक्स नहीं है, उस लाइब्रेरी के अंदर जो भी सामान रखे हुए हैं, लाइक एग्जैक्टली यहाँ पे जैसा बना हुआ है, ये सब हजारों साल पुरानी एंशियंट स्क्रिप्ट्स हैं, टैबलेट्स हैं, टैबलेट्स, देखो टैबलेट्स का मतलब वो फोन वाला नहीं है, टैबलेट्स मतलब ऐसी स्क्वायर सा शेप होगा, बट वो पूरे स्टोन के बने होंगे, ठीक है, स्टोन के बनेंगे और उसके अंदर ना पूरी की पूरी चीजों को, मतलब आप कह सकते हो इरोड किया करके और शेप बना के डिजाइन बनाया जाता है, तो उसे स्लेट कहा जाता है, ठीक है। मैं हो सका तो अगले नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं इस चीज को ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो इम्प्रिंट करके वो बनाते हैं उसको स्लेट कहा जाता है, नहीं तो आप गूगल भी कर सकते हैं स्लेट्स, ठीक है, स्लेट्स भी कहा जाता है, टैबलेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी की पूरी म्यूजियम बनाई जाती है एंशियंट चीजों की, उसी को कहा जाता है आर्कियल साइंस, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, ठीक है। आर्कियल साइंस क्या है, स्टडी की जाती है, थ्योरी की जाती है, क्यूरेटिंग, क्यूरेटिंग का मतलब वो जो कल्चरल चीज है, कल्चरल आर्चिव्स का मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, जो कल्चरल आर्चिव्स हैं उनकी जो थ्योरी के ऊपर बनाने के काम आती है, उसका डेटा एनालिसिस किया जाता है, उसको ही हम कहते हैं आर्कियल साइंस। आजकल आर्कियल साइंस, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जगह फायर इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, साथ ही पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो और वेरियस तरह के जितने इलेक्ट्रॉनिक या के जो केसेस ऑफ फायर हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और पेपर और वगैरह चीजें जो है हजारों साल पुरानी हैं, तो ये आराम से जो है फायर कैच कर लेती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट अवर गवर्नमेंट, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर ट्राइंग टू प्रिजर्व इट। कि मान लीजिए आज के टाइम पे मैंने पढ़ लिया, बट आज से 200 साल बाद अगर इसको पढ़ना है और मीनवाइल आग लग जाए उसके अंदर और कुछ ना बचे,
तो क्या लोगों को इसके हिस्ट्री के बारे में जानने का राइट नहीं है? नो. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन सारी चीजों को रिकॉर्डिंग के रूप में, डेटा स्टोरेज के रूप में, डेटा मतलब आप पेन ड्राइव के अंदर जो डेटा सेव करते हो, दैट मतलब काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको सेव करते हो, उसी को सिंपली हम डेटा कहते हैं. आप डेटा से यहाँ पे सिंपली इन्फॉर्मेशन का मतलब रिलेट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव के अंदर स्टोर करते हैं, दैट इज इन्फॉर्मेशन, डेटा इज इन्फॉर्मेशन. ठीक है, आजकल तो नया तरीका आ गया है, आपने देखा होगा क्लाउड्स मतलब जो ऑनलाइन सर्वर पे हम डेटा सेव करते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्लाउड. तो आजकल तो आर्कियल साइंस क्लाउड पे ही डायरेक्टली सेव होता है. आपको चाहिए तो कोई ऑनलाइन साइट पे आप विजिट कर लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की खुद की साइट है, तो वहाँ पे बहुत सारा डेटा शेयर करते हैं, हजारों साल पुराना सिक्के कॉइन्स मूर्तियाँ दुनिया भर की चीजें उन्होंने शेयर करके रखी हुई है. ठीक है, आजकल एक नया कंसेप्ट चलता है आर्कियल साइंस से भी बेटर, जिसको कहा जाता है वर्चुअल म्यूजियम करके कंसेप्ट है. तो उसके बारे में थोड़ा आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट रिलेटेड टू यू बुक, बट ऑफकोर्स आप पढ़ेंगे उसको तो रिलेट करेंगे. तो अब ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, वो बहुत लंबे समय के लिए आप प्रिजर्व हो जाएंगे आपके दिमाग में. ठीक है, डोंट ट्राई टू गेट एट अ रट्टा जैसे करने की कोशिश ना करिएगा, जस्ट ट्राई करो कि जितना हो सके अंडरस्टैंड करो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, लर्न इट लाइक अ स्टोरी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज मेनुस्क्रिप्टोलॉजी. मेनुस्क्रिप्टोलॉजी का मतलब होता है कि, मेन्यू का मतलब आप सिंपली समझ लो कि जो पुराने ज़माने में लोग हुआ करते थे ना, उनको बुक्स लिखने का बहुत ज़्यादा शौक हुआ करता था, तो जो बुक लिखने का तरीका है उसी को सिंपली उन्होंने कहा मेनुस्क्रिप्टोलॉजी. जो बुक लिखने का तरीका होता है या जो उन्होंने अपनी बुक लिखी है, बायोग्राफी लिखी है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं मेनुस्क्रिप्टोलॉजी. बहुत सी जगह इसको कोडिकोलॉजी में कहा जाता है. ठीक है, इंडिया में इसको मेनुस्क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है, एशियन कंट्रीज में बेसिकली मेनुस्क्रिप्टोलॉजी कहा जाता है, बट अगर आउट ऑफ इंडिया आप जाएंगे या फिर आउट ऑफ एशिया जाएंगे तो कोडिकोलॉजी के नाम की ये फेमस रहता है कि बहुत से पुराने जमाने के जो लोग हैं वो लिख के गए हैं, तो उन्हीं की बुक्स को इस तरह रेफर किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस कि भाई उस समय का जो पर्सन था उसने ये चीजें लिखी हैं, मतलब ये सच होगा. ठीक है, तो आगे चलते हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एपिग्राफी. देखो एपिग्राफी में आपको अभी थोड़े समय पहले बता रहा था अबाउट टैबलेट्स. टैबलेट्स का मतलब क्या होता है कि एक स्टोन होता है, स्टोन के अंदर उनको रखा जाता है, फिर एक शार्प ऑब्जेक्ट से ना उन जो मिट्टी जो स्टोन होता है उसको हल्का हल्का स्क्रैच किया जाता है. स्क्रैच करने से जो उसका जो पार्ट है वो धीरे धीरे घसता है और वो स्पेसिफिक एरिया वो शेप में जिसमें वो उसको कुरेदा जा रहा है उससे निकल के वो शेप आ जाता है. इन द सेंस वो टैबलेट को बनाने का तरीका होता है. एपिग्राफी में बिल्कुल इसी सेम तरीके से ये पूरे एक वॉल, मान लीजिए दिस इज अ होल वॉल, इस वॉल के ऊपर एक एक छोटी छोटी तरीके से पूरा डिजाइन बनाया गया है और उसको लिखा गया है. ठीक है, इस पूरी चीजों को लिखा गया है, तो ये जो लिखने का तरीका होता है ना, इस पूरे प्रोसेस को एपिग्राफी कहते हैं. जब वो बुक पे लिखेंगे तो वो मेनुस्क्रिप्टोलॉजी हो जाएगा, लेकिन जब उसे वॉल पे लिखेंगे तो वो एपिग्राफी हो जाएगा. ठीक है, आपने वो आपने अगर इजिप्टियंस पिक्चर्स देखे होंगे तो जनरली उसमें दे यूज एपिग्राफी. ठीक है, एपिग्राफी यूज होता है, वो अपनी लोकली एक लैंग्वेज में अलग तरीके से कहा जाता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो एपिग्राफी का मतलब क्या होता है? एपिग्राफी का मतलब होता है कि जो एंशंट इंटरप्रिटेशन करना है, जो एंशंट इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब इंस्क्रिप्ट किया गया है ना उसको. ठीक है, इंस्क्रिप्शन को इंटरप्रेट करने का तरीके को, इंटरप्रेट का मतलब होता है उसको डिकोड करना, अंडरस्टैंड करना. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे. नेक्स्ट इज न्यूमिस्मैटिक. न्यूमिस्मैटिक का सिंपली मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स. नंबर्स मतलब द कॉइंस. ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको ये कॉइन्स दिख रही होंगी, दीज आर द एंशियंट कॉइन्स ऑफ इंडिया. और ये जो सारी कॉइन्स हैं, ठीक है, ये अलग अलग एरा में अलग अलग डायनेस्टी के राजा ने बनाई थी. ठीक है, अब उन्होंने मतलब अब कैसा था, देखिए मान लीजिए कि कोई एक स्पेसिफिक किंगडम भी था, शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने अपनी एक कॉइन इशू की होगी, शंभाजी ने अपनी एक अलग कॉइन इशू की होगी, शाहू महाराज थे उन्होंने अलग कॉइन इशू की. उसके बाद में पेशवास का डोमिनेशन थोड़ा सा बढ़ गया था मराठा एम्पायर में, तो हो सकता है बाजीराव वन जो थे उन्होंने अपनी अलग कॉइन इशू की हो. उसके बाद उनके बाद में लेटर ऑन जितने भी उनके बाद सक्सेसर आते गए, सक्सेसर का मतलब होता है उनके बाद जो पर्सन आता है, जो लोग भी आते गए हो सकता है उन्होंने अपनी नई नई कॉइन इशू किए होंगे. ठीक है, सो दिस कैन बी अ पॉसिबल केस. तो न्यूमिस्मैटिक का सिंपली मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग दी कॉइन्स, स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन जो होता है उसको, या बैंक नोट होता है या मेडल होता है उसको हम सिंपली कहते हैं न्यूमिस्मैटिक. ठीक है,
बहुत सारे लोगों को ऐसे कॉइन जमा करने की आदत है, बट उनके पास 1000 साल 2000 साल पुराने कॉइन्स तो नहीं मिलेंगे। ये सारी चीजें एक कल्चरल प्रॉपर्टी होती हैं और इनको गवर्नमेंट के पास ही रहना पड़ता है, इनको देखने के लिए हमको म्यूजियम जाना पड़ता है। आई होप आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जगह विजिट किए, अगर आप नहीं किए हो गूगल करिए, ऑनलाइन आजकल इंटरनेट के थ्रू सारी चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार निमिस जो एंशियंट कॉइन है, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक बार गूगल करके चेक करने की कोशिश जरूर करना कि हाउ एग्जैक्टली दे लुक लाइक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जीनियोलॉजी क्या होता है? ठीक है, जीनियोलॉजी का मतलब होता है कि एक लाइनेज फॉलो करना। आप सिंपल यहाँ पे देखो, एक डायग्राम से आप समझ सकते हो, आपके ग्रैंडपा हैं, ग्रैंडफादर जिसको आप कहते हो, या ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, अब उनके दो तीन बच्चे हुए, एक आपके अंकल हुए, एक आपकी आंटी हुई और एक आपके फादर हुए। ठीक है, ये तीनों जन भाई हैं, सिबलिंग्स हैं। और आपके पापा और आपकी मम्मी के दो बच्चे हुए, आपको और आपकी सिस्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर सीक्वेंस देखा जाए तो 1, 2 योर फादर एंड 3 यू। ठीक है, तो लीनियज क्या बन रहा है? सबसे पहले आपके ग्रैंडफादर, देन योर फादर एंड देन यू। तो दिस इज इन हायरार्की। तो इसी सेम चीज को जीनियोलॉजी कहा जाता है। जैसे आप अगर हिस्ट्री में अगर हम देखें तो शिवाजी महाराज जो थे वो सबसे ऊपर आएंगे, शिवाजी महाराज के बाद उनके बेटे सांबाजी आएंगे, सांबाजी महाराज के बाद शाहू महाराज आएंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी जो प्रोसेस है इसी को हम कहते हैं जीनियोलॉजी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, चलते हैं आगे। ठीक है, जीनियोलॉजी स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को। ठीक है, आई विल जस्ट मेक इट बैक, आप इसे एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। सेम जो मैंने आपको समझाया वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। हिस्टीरियोग्राफी, देखो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर इस पे बेस्ड है। मैंने सबसे पहली स्लाइड में ये चीज को समझाया था आपको, वॉट इज हिस्टोरियोग्राफी। तो हिस्टोरियोग्राफी इज वॉट? ठीक है, हिस्टोरियोग्राफी इज अ स्टडी मेथड जिसमें जो हिस्टोरियंस थे उनकी हिस्ट्री को समझा जाता है। और जब हम इस चीज को फॉलो करते हैं तो हिस्ट्री एज एकेडमिक डिसिप्लिन बनती है। एकेडमिक मतलब देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप ऐसे वेगली कोई भी चीज, वेगली मतलब ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और बोले कि हाँ मेरे हिसाब से यही सही है। आपको देयर आर फ्यू टर्म्स एंड कंडीशन जिसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ता है, तभी आपकी बात को माना जाता है। जैसे मैंने आपको इनिशियल समझाया था ये चीज पे कि क्या होता है कि हिस्ट्री दी हुई है, आपको ये चीज को समझाना पड़ेगा ना हिस्टोरियन को कि देखो भाई ये जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं इनको आप समझने का ट्राई करिए कि मैं ये जो बता रहा हूँ इसके लिए मेरे पास ये चीज का एविडेंस है, प्लस ये आथर ने भी ये समय में इस चीज के बारे में मेंशन किया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से सभी लोग भगवान बुद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे, लॉर्ड बुद्ध के बारे में जानते होंगे। तो लॉर्ड बुद्ध के बारे में अगर मुझे कुछ लिखना है तो उस समय बहुत ही फेमस मगध किंगडम हुआ करता था। तो मगध किंगडम जो रूलर होंगे उन्होंने अगर कोई बुक लिखी होगी अबाउट उस समय के जो राजा थे, तो अगर उनकी बुक में बुद्धिज्म के बारे में या बुद्ध के बारे में कुछ भी लिखा होगा, तो आज के टाइम पे हम उस बुक को एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस पकड़ के कह सकते हैं हाँ भाई इस बुक के अंदर ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, और ये बुक क्योंकि उसी समय लिखी हुई थी जब लॉर्ड बुद्ध उस समय थे, तो एज अ प्रूफ हम मान सकते हैं कि जो जो ये बात कही जा रही है दिस इज राइट। ठीक है, अब कोई भी टाइम ट्रैवल करके तो नहीं जाएगा और बुद्धा से बोलेगा बुद्धा जी बताइए कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल ना। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, जो तो हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन लिमिट कि हम उसको सच प्रूफ कर सकते हैं। हाउ? हम उसके लिए एविडेंस दे देंगे, प्रूफ दे देंगे। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे बुद्धा के बारे में ही बात करें तो बुद्धा को जो निर्वाणा मिला था वो बोधि ट्री के नीचे मिला था, बोध गया में। ठीक है, बोधि ट्री के नीचे मिला था। अब बोधि ट्री, जो बोधि ट्री उस समय की थी वो तो अब बची नहीं है ना, वो तो हजारों साल के अंदर उसकी डेथ हो गई। तो अब कल कोई उठ के बोल दे कि नहीं बोधि ट्री के नीचे नहीं, नीम के पेड़ के नीचे मिला था, राइट? तो इसके लिए उस समय के जो रूलर्स थे उन्होंने उस चीज को लिखा पाली भाषा में कि बुद्धा को बोधि ट्री के नीचे मिला। तो हम एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस यूज कर देते हैं कि बुद्धा को जो एनलाइटमेंट मिला था वो बोधि ट्री के नीचे मिला था, ना कि एप्पल ट्री के नीचे मिला था, ना कि नीम के ट्री के नीचे मिला था। ठीक है, तो एज अ सोर्स ऑफ एविडेंस मिल गया। तो आगे बढ़ते हैं। अब स्कॉलर जो थे उनका नैरेटिव होता है, नैरेटिव मतलब मैंने आपको बताया था कि रिसर्च
मेथड के थ्रू हम कैसे एक अपना नैरेटिव बना सकते हैं, कैसे हम बता सकते हैं कि देखो भाई मेरे हिसाब से ये चीज ऐसी है और मेरे पास ये सबूत है। ठीक है, हिस्ट्री जनरली एक ग्रीक शब्द है, आपको बहुत से जगह जब भी आप पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो प्लेसेस के नाम हैं या फिर ज्योग्राफी में जो कंसेप्ट होते हैं उनमें आपको 80-90% कंसेप्ट ऐसे होंगे जो आपको या तो लैटिन भाषा में लिए गए हैं या तो ग्रीक से लिए गए होंगे। ठीक है, ज्योग्राफी में तो 80% केसेस ऐसे होते हैं कि ग्रीक की भाषा इस्तेमाल की जाती है। इनफैक्ट अर्थ, जो शब्द अर्थ है वो इटसेल्फ में वो भी ग्रीक से लिया गया है। ठीक है, सो आप इसके बारे में तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, वेयर द टर्म हिस्ट्री केम फ्रॉम। देखो ये बहुत ही वंडरफुल बुक है, इसका नाम, इसके जो आथर है उनका नाम है हेरोडोटस। ठीक है, अब हेरोडोटस क्या थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरीज। इन्होंने 5 सेंचुरी BC, 5 सेंचुरी BC जब मैं कहता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ जीसस क्राइस्ट से 500 साल पहले की, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बिफोर क्राइस्ट एरा BCE। ठीक है, जब मैं CE लिख देता हूँ क्राइस्ट एरा, मतलब आपने इनके क्राइस्ट एरा और एना डोमिनी AD आपने सुना होगा, ये दोनों सेम शब्द होते हैं, और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, तो जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 500 साल पहले इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरीज, और हिस्टोरीज नाम पे ही उन्होंने हिस्ट्री के बारे में बताया था। यहाँ पे ये बुक के बारे में डिटेल है। ठीक है, जस्ट फॉर अ रेफरेंस से आगे चलते हैं। अब हमने समझा हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन है जो हमको हिस्ट्री के, हिस्टोग्राफी के अंदर फॉलो करने पड़ते हैं। अब हिस्ट्री कैन नॉट बी इंक्लूडेड एवरी पास्ट इवेंट। अब हिस्ट्री में हम, अब ऐसा तो नहीं, डायरी तो बना के नहीं चल रहे ना कि 2 बजे तो हमने ये किया होगा उस राजा ने, 3 बजे राजा ये कर रहा है, 4 बजे ये नहीं कर रहा, नहीं तो उसकी व्हाट इज इट डेली शेड्यूल ही बना देंगे हम उसका। हिस्ट्री में हम जनरली क्या करते हैं, हर एक पास्ट इवेंट्स को रिक्रिएट नहीं कर सकते। हर एक चीज अगर हम उसे पूछेंगे तो मैं हर एक चीज का जवाब नहीं दे पाऊंगा उस चीज पे, बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। बिकॉज कोई भी चीज अगर मैं कह रहा हूँ, बिकॉज हिस्ट्री बीइंग एकेडमिक डिसिप्लिन, मुझे उस चीज का जो है एविडेंस देना पड़ेगा, एज अ मुझे बताना पड़ेगा ना जो चीज मैं कह रहा हूँ, इट हैव सम काइंड ऑफ एविडेंस है इसके पीछे, कोई बैकिंग है, मैं ऐसे वेगली कुछ भी चीजें नहीं कह रहा हूँ। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं हर पास्ट इवेंट को डिपिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज देर आर सर्टेन लिमिटेशन जो यहाँ पे आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे हम नहीं कर सकते, और ये डिपेंड होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पे, जो कि जो भी हिस्टोरियन जो भी अपना कंसेप्ट या नैरेटिव बना रहा है उसके उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब मेजोरिटी ऑफ द पीपल एक्सेप्ट करते हैं, डिनाई करते हैं, हिस्ट्री बनेगा नहीं बनेगा वो अनदर केस है, बट हम बात कर रहे हैं कि हिस्टोग्राफी का ट्रेडिशन कैसा है। अब अगर मान लीजिए कि पुराने जमाने के लोग अगर हिस्ट्री नहीं लिखे होते तब हमको कैसे पता चलता, हमको नहीं पता चलता, सिंपली यही बात है ना। हमको देखो पुराने जमाने में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने लिखा नहीं कि किस तरह से वो लैंग्वेज को डिपिक करते हैं, अब उन्होंने लिखे नहीं तो हमको पता ही नहीं है कि किस तरह से वो लिखते हैं। उन्होंने लिखे तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, फिर उससे एक एनालिसिस किया और फिर हमको पता चला कि ऐसे ऐसे लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, और फिर हमने वो सारी चीजों को समझे और फिर उनकी भाषा को पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, इस तरह हमसे समझ में आया। अगर तो इसी, अगर मान लीजिए पुराने जमाने के लोग नहीं लिखते तो हमको पता ही नहीं तो 2000 साल पहले क्या हुआ, बुद्धिज्म कैसे फैला, लॉर्ड बुद्धा कब आए, वर्धमान महावीर जी कब आए, ठीक है, वगैरह वगैरह चीजें हमको पता ही नहीं चलती कभी। लेकिन कुछ एंशियंट लोग थे जिनको ऐसा लगा कि भाई हम लोग तो 50-100 साल के अंदर हमारी डेथ हो जाएगी, बट नहीं, हमको एक लेगेसी छोड़ के जानी है, हमको लोगों को बताना है कि जितनी भी चीजें हो रही हैं वो उसके बारे में एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग लोगों को देनी है। ठीक है, तो बहुत सारे एंशियंट लोग थे, उन्होंने अपने बारे में लिखना चालू किया और उन्होंने स्टोरीज लिखी अपने लाइफ के बारे में, एंसेस्टर्स के बारे में, और बताया कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को कि देखो ये चीज हमारे टाइम पे हुआ था। एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है, इनका नाम है कौटिल्य। ठीक है, अभी मैं थोड़े समय पहले इनकी बात कर रहा था, जिनका नाम है चाणक्य भी एक नाम से इनको कहा जाता है, और कौटिल्य भी इसी नाम, यही सेम पर्सनालिटी का दो नाम है, एक है चाणक्य और एक है कौटिल्य। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, इसी से हमको पता चलता है। वैसे ये आपने इनके बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो इनके स्टूडेंट हुआ करते थे। ठीक है, तो उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये अर्थशास्त्र जो उनकी बुक थी इसको फॉलो किया, तो हमको इससे ये पता चलता है कि कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे, तो इसी से हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ऐसा ऐसा रूलिंग था, बिकॉज दिस गाय, उन्होंने हमको एक एविडेंस दे के चले गए कि इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे सारी चीजें हो रही थी। ठीक है,
अब एंशियंट कम्युनिटी जो उस समय की थी, एंशियंट लोग थे, उन्होंने ये सारी चीजें हमारे लिए लेफ्ट आउट की, पेंटिंग के थ्रू, केव पेंटिंग के थ्रू, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी मतलब कहानियां लिख के, फिर सिंगिंग के गाने भी तो लिखे जाते हैं, ठीक है, उसके साथ में बैलेट। ये सारी चीजें लिखने के बाद हमको पता चला कि जो हिस्ट्री का ट्रेडिशन है इस तरीके से ये फ्लरिश हुआ, और यही सारी चीजें अब सोर्स बन गई हैं कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री बनेगी वो इन्हीं चीजों के आधार पर बनेगी, ठीक है, जो भी हमारी मॉडर्न हिस्टोग्राफी हो रही है वो इन चीजों के हिसाब से बने। ओके, आगे चलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, अगर मैं एक मॉडर्न हिस्टोग्राफी अगर मैं बना रहा हूँ तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक मतलब जब मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ तो आप इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा कि एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन के पास हाथ है, पैर है, सर है, ठीक है, नॉर्मल 5 उंगलियां हैं, ठीक है, तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, और 2 पैरों पे चलता है, तो मैं इससे डिफाइन कर सकता हूँ ये बंदा इंसान है, ठीक है, या प्राइमेट है बेसिकली, बराबर। तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन मान लो मैं बोलता हूँ कि एक पर्सन है, वो जमीन पे रेंग रेंग के चलता है, उसकी बॉडी पे स्केल है, और मैं कहता हूँ ये इंसान है, तो क्या वो पर्सन वो जो बेसिक क्राइटेरिया है ह्यूमन होने का उसको अचीव कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है, सीधी सी बात है, बिकॉज ह्यूमन के हिसाब से तो हमारे हिसाब से 2 हाथ 2 पैर और स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट होगा और सीधा होकर चलेगा, रेंगिंग थोड़ी ना, क्रॉल थोड़ी ना करेगा वो। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स क्या है बेसिकली, आप कह सकते हो उसके इंपॉर्टेंट ट्रेड है क्या, कि मॉडर्न हिस्ट्री अगर हमको लिखनी है तो कुछ तो बेसिक चीजें होगा। पहला होता है कि पहले आपके पास साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, प्रिंसिपल जो मतलब साइंस बेस्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं केमिस्ट्री में ला, बट देखो जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि एक बड़ा सा पत्थर है, उसको मैं अगर खींच के आपको मारता हूँ भाई, सीधी सी बात है मुझे चोट लग जाएगी, ठीक है। अगर मैंने ये थियोरी में कहा कि नहीं भाई मैं पत्थर खींच के आपको मारूंगा लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, तो क्या मैं साइंटिफिक प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ? ऑफकोर्स मैं नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि साइंस के हिसाब से मुझे खींचे अगर पत्थर लगेगा तो मुझे लगना ही है, तो साइंटिफिकली मतलब जो मुझे प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है भाई ये सच है, ये मेरे लॉजिक पे फिट हो रहा है, ठीक है, साइंटिफिक प्रिंसिपल, एविडेंस बेस्ड प्रिंसिपल, उसको साइंटिफिक प्रिंसिपल कहा जाता है। अब उसके साथ में आपको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन भी फॉर्म करना है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि मुझे अगर बात करनी है शिवाजी महाराज के जमाने में क्या क्या चीजें हो रही थी, या ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हो रहा था, तो मैं उठ के ये नहीं बोलूंगा कि गौतम बुद्ध के टाइम पे क्या हो रहा था, ठीक है, 2000 साल का अंतर आ गया ना दोनों के बीच में। अब मुझे अगर ब्रिटिशर्स के बारे में जानना है तो मैं ब्रिटिशर्स के समय की बात करूंगा, मैं भगत सिंह की बात करूंगा, मैं गांधी जी की बात करूंगा ब्रिटिशर्स के बारे में जानने के लिए, फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानने के लिए। मैं थोड़ी ना पूछूंगा कि मेडिवल एरा में अकबर क्या कर रहा था, मेरा क्वेश्चन भी सही होना चाहिए ना। अगर मैं क्वेश्चन बात कर रहा हूँ कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चन पूछना है तो मैं नंबर्स पे बात करूंगा, मैं थोड़ी ना ग्रामर पे बात करूंगा। जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे मैथ्स सीखना है तो मैं इंग्लिश का लेक्चर थोड़ी ना लूंगा, मैं मैथ्स का लेक्चर लूंगा ना, मैथ्स के सवाल करूंगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम उसी लॉजिक से मैं रेलेवेंट क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। उसके साथ में एंथ्रोपोसेंटिक होना चाहिए, मेरा जो सवाल होगा वो एंथ्रोपोसेंटिक होना चाहिए। एंथ्रोपोसेंटिक एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन, एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन, ह्यूमन का मतलब होता है, और सेंट्रिक मतलब जो मेन सेंटर होना चाहिए, यानी ह्यूमन के सेंटर होना चाहिए। इन द सेंस अगर मैं किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो उसी स्पेसिफिक टाइम जोन से होना चाहिए, ठीक है, उसी स्पेसिफिक टाइम जोन से होना चाहिए, उसी के बारे में बात करने के स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूँ किसी एक स्पेसिफिक की और बात किसी और की हो रही है। साथ ही मैं किसी डिवाइन क्रीचर की बात नहीं करूंगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर मुझे कहना है कि एक युद्ध हो रहा है, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज ए, देयर इज पर्सन कॉल्ड एज बी, 2 पर्सन है ए और बी, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। अब ए जो है उसने बी को हरा दिया, कैसे? ऊपर से एक बहुत बड़ा एंजल आया था, या भगवान आए थे, या फिर कोई पैगंबर आए थे और उन्होंने वरदान दिया कि भाई जाओ तुम युद्ध जीत जाओगे और ये लड़ाई जीत जाओगे, और तुम जीत गए, तो मैं ऐसे हिस्ट्री में लिख दूंगा, तो क्या कोई मेरी हिस्ट्री को साइंटिफिक प्रिंसिपल मानेगा? नहीं कहेगा ना। इसीलिए तो जो माइथोलॉजीज होती हैं उनको एपिक्स कहा जाता है, माइथोलॉजीज कहा जाता है, बिकॉज हम उसको प्रूव नहीं कर सकते। क्या मैं अब ये डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है, जो माइथोलॉजी के क्रीचर्स हैं, ये मैं कह सकता हूँ कि जो पुराने जमाने की चीजें हैं रिलीजन के, सुपर नेचुरल थिंग की बातें हैं, क्या मैं उसे प्रूफ कर सकता हूँ आज के मॉडर्न साइंस के हिसाब से? नहीं प्रूफ कर सकता। तो अंटिल जब तक मेरे पास या तो टेक्नोलॉजी ना आ जाए, या फिर मैं इस टेक्नोलॉजी में उसको प्रूफ ना कर दूं, अंटिल तब तक वो साइंटिफिक नहीं होगा, ठीक है।
सो मैं किसी डिवाइन फीचर की बात नहीं कर सकता, मुझे प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी कि भाई ऐसे ऐसे सारी चीजें हुई थी, और ह्यूमन डीड की बात नहीं कर सकता। इसके साथ में आपका क्वेश्चन रिलेवेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए किसी भी चीज़ की। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एक एविडेंस है कि देखो भाई ये जो चीज़ हुई थी इसका ये एविडेंस है, ये सोर्स है जिसके वजह से ये सारी चीज़ें ऐसे हुई थी। ठीक है, आगे जाते हैं। अब मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो थी इसका रूट हमको मिलता है ग्रीक्स में। ग्रीक जो हिस्टोरिकल राइटिंग्स थी ना, ग्रीक्स ने अपने बहुत सारे योगदान दिया है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है। तो उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि ग्रीक्स ने हिस्टोरिकल राइटिंग की है। ठीक है, और उन्हीं की हिस्टोरिकल राइटिंग पे ही पूरी की पूरी इसका जो हिस्ट्री का बेस है वो बसा है, या हिस्टोग्राफी का बेस है। बिकॉज अगर पुराने जमाने के ग्रीक जो हिस्टोरियंस होते हैं वो अगर कुछ नहीं लिखे होते हैं तो हमको कैसे पता चलता कि ये सारी चीजें हुई हैं, राइट? जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर वो कुछ लिख के नहीं गया होता तो हमारे लिए तो वो चीज ब्लैंक होती। आप इमेजिन करो कि यू हैव अ पेज, यू हैव अ बुक ऑफ 200 पेजेस, और हर पेज पे ना 10 साल का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, 10 इयर्स का। या लेट्स इमेजिन इट, 100 पेज की बुक है और हर पेज पे 100 इयर्स का डिटेल लिखा हुआ है। तो अगर अज्यूम करते हैं कि अगर ये हिस्टोरियंस उस पेज को फिल नहीं किए होते, तो अगर आज के टाइम पे अगर हम अपने पेज पे हैं तो क्या हम उस पेज पे जब जाएंगे, हम उस पेज को पढ़ेंगे तो क्या हमको कुछ लिखा हुआ मिलेगा? नहीं मिलेगा, अगर ये लोग नहीं लिखे होते, क्योंकि उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, सोर्सेज बना के दिए, बुक बना के दिए, जिसकी वजह से हमको आज पता चल रहा है कि ऐसा ऐसा सोर्स है, ऐसे ऐसे एविडेंस है। ठीक है, तो ये टॉपिक को हम लोग आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल अंडरस्टैंड कि डेवलपमेंट कैसे हुआ, हिस्टोग्राफी जो आज के टाइम पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो कैसे बनी, और सवाल है कि वेस्ट में ही क्यों बनी, why not in India, why in West? ठीक है, पार्ट टू इसका रहेगा, उसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो डू शेयर इट अमंग अदर स्टूडेंट एज वेल, सब्सक्राइब टू द चैनल।